गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। पहले तो मेरे बबरे को किसी ने पत्थर मार दिए, इस मैच को देखने के लिए क्राउड काफी भरा भरा आया हुआ था, काफी अच्छा खासा क्राउड आया हुआ था यहाँ पे। कह रहे हैं रात को टीवी पे बैठ के बहुत ही खुशनुमा माहौल में मैच हुआ। अबे सालों वहाँ पे आग लगा दी लोगों ने, कुर्सियाँ सिर पे उठा ली, ब्लास्ट हो गया 1 किलोमीटर दूर, ये कौन सा खुशनुमा माहौल है बे? जब ये दरियाई घोड़ा बैटिंग करने आया, तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुत्ते क्या। अब या तो बोल एंड बोल्ड करेगा या फिर अपने ही टीम के आगे बढ़ते हैं। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप, चक लो वही चक लिया वही कि देखो हम कितने बड़े शांति के दूत हैं। अब इन दूतों की करतूतें मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रमे डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना। क्या बात, ये बात है। हम इंडिया वाले तो अपने मन को दास बना लेंगे, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया वाले खुद को ही फुद्दू बनाते जा रहे हैं भाई। इन्होंने स्पिन से इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतना खोप साला घुसा पड़ा है इनके दिमाग के बुद्धि के अंदर कि ये अपने ही फास्ट बॉलरों को इंजर्ड करवा रहे हैं। अब पहले मिचेल स्टार्क पहले टेस्ट के लिए आउट हो गया, अब हेजलवुड पहले और शायद दूसरे टेस्ट के लिए बाहर है। कैमरन ग्रीन खेलेगा लेकिन बॉलिंग नहीं कराएगा। अबे तो लुलुओ खिला क्यों रहे हो भाई? हम इंडियंस ने ना ऑस्ट्रेलिया में जाके रोना रोया था, हमारे पास क्या नहीं है, ना हम इंडिया में रोना रोते हैं, तो आपके पास क्या नहीं है ऑस्ट्रेलिया वालों कंगारुओं? हमें इससे कुछ नहीं लेना, हमें तो तुमको पेलना है। लेकिन भाइयों इस ऑस्ट्रेलिया को कमजोर नहीं समझना है, यही गलती ऑस्ट्रेलिया ने की थी जब हमारे प्लेयर इंजर्ड हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। इनको लगा इनके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद ठोक दिया हमारे लॉन्डो ने जाके। पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की तेज बॉलिंग की कमान संभालेंगे बोलैंड। अब या तो बोलैंड बोल्ड करेगा या फिर अपने ही टीम के आगे बढ़ते हैं। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप, चक लो वही चक लिया वही। इफ्तिकार अहमद बढ़ऊ ने वहाब रियाज को ही चक लिया, 6 छक्के ठोक दिए एक ही ओवर में। बबरे की टीम का और सरफू की टीम का एक एग्जीबिशन मैच चल रहा था, उसमें इफ्तिकार अहमद भाई 35 बोलों में 32 रन बना के खेल रहा था। ये आदमी ने उसके बाद इसको पता नहीं कौन सी माता चढ़ी, ये 94 रन कर गया 50 बोलों में। देश संकट में है। जो आदमी 6 बॉल में से एक भी बॉल डॉट ना कराए, अरे डॉट छोड़ो इक्का दुक्का ही खा लेता, कम से कम 6 तो ना खाता, उस आदमी को पाकिस्तानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना के घुमा रहे हैं। भाई मेरी बात मान लो, अगर वहाब रियाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने के लायक है तो यार हिंदुस्तान में कम से कम विजय शंकर चीफ मिनिस्टर तो बनता है भाई। ये गधे बेच के गुजारा करने वाले चौथी फेल अंगूठा छाप उम्मीद से हारे, भुखमरी के मारे चाइना के दुलारे पाकिस्तानी। पीएसएल का एग्जीबिशन मैच ये पाकिस्तान के क्वेटा में इसीलिए करा रहे थे ताकि ये दुनिया को बता सकें कि देखो हम कितने बड़े शांति के दूत हैं। अब इन दूतों की करतूतें मैं बताता हूं आप लोगों को। भाई साहब 10.3 ओवर का खेल खत्म हुआ था, बबरा फील्डिंग कर रहा था, पहले तो मेरे बबरे के किसी ने पत्थर मार दिए, 2 मिनट के बाद धुआं निकल गया स्टेडियम में, और इन गरीबों को जो कुर्सियां अपना पिछवाड़ा टिकाने के लिए दी गई थी सालों ने सिर पे उठा ली। इस मैच को देखने के लिए क्राउड काफी भरा भरा आया हुआ था, काफी अच्छा खासा क्राउड आया हुआ था यहाँ पे। फिर 5 मिनट के बाद खबर आई कि भाई स्टेडियम से कुछ दूरी पे एक बम ब्लास्ट हो गया। ट्विटर पे कुछ पाकिस्तानी लोग, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता सालों इनको ट्विटर का बारे में बताया किसने, पता क्या लिख रहे हैं ट्विटर पे जाके, कह रहे हैं हे हे नहीं नहीं तो क्या हो गया, बम ब्लास्ट हुआ है, वो तो दूर हुआ है स्टेडियम से। अबे सालों दूर हुआ है मतलब अमेरिका में हुआ है, तुम्हारे ही तो पास में हुआ है, मतलब यार ये 2-4 किलोमीटर दूर बम फट जाए इसको समझते ही कुछ नहीं है। I don't know. वैसे यार सिक्योरिटी देखो काफी टाइट थी, पता नहीं कहां से कैसे ये पंगा पड़ गया। अच्छा ये ड्रामा करीब करीब आधा घंटा चला, उसके बाद मैच दोबारा रिज्यूम हुआ। भला है बुरा है, पेशावर जलमी ने इस बार कप्तान बनाया है बबरे को। अबे सबसे बड़ा जुल्मी तो यही है बे, हेलमेट देखो इस गधेड़े का यार, इतनी घटिया क्वालिटी के हेलमेट है ना,
भाई उनके लिफाफे ही फटे जा रहे थे। नंबर एक का कबीना 13 बॉल में 13 रन और 5 विकेटें हाथ में हो, वहां से भी इस लानती की बबरे की टीम हार जाती है भाई। 4-5 बार तो यार लोग पिच के ऊपर घुस गए स्टेडियम में और कह रहे हैं रात को टीवी पे बैठ के बहुत ही खुशनुमा माहौल में मैच हुआ। अबे सालों वहां पे आग लगा दी लोगों ने, कुर्सियां सिर पे उठा ली, ब्लास्ट हो गया 1 किलोमीटर दूर। ये कौन सा खुशनुमा माहौल है बे? जब ये दरियाई घोड़ा बैटिंग करने आया वहां पे 39 बॉल में 47 चाहिए था बाबर की टीम को और 7 विकेट हाथ में थी। ये लानती वहां से भी 3 रनों से आ रहे हैं और जबकि इनके हाथ में अभी भी 3 विकेट थी। भाई ये आदमी बूढ़ा हो गया, इसके बच्चों की शादी हो गई लेकिन इसको अकल नहीं आई। देखो कहां जाके बैटिंग कर रहा है ये, मतलब एम्पायर इससे पीछे रह गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस बार पीएसएल में मजा आने वाला है, बबरे की टीम के लगने वाले हैं घोड़े। तुझे कोई भी बात बता जाए तेरे भेजे में कुत्ते क्या। दुनिया में जितने भी क्रिकेट फैन हैं भाई साहब 9 फरवरी का तो ऐसे वेट कर रहे हैं जैसे महबूबा के आने का इंतजार कर रहे हो। मेरे महबूब पैट कमिंस भी वेट कर रहा है, वो कह रहा है इस दिन का मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। तो मुन्ना हम भी तो वेट ही कर रहे हैं, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। लेकिन मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स तक टाइप के जो हूतिये चैनल हैं, तेल मालिश साबुन पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, ये पिस्ता भी बेचते हैं अपने चैनल पे, ये कह रहे हैं मतलब यार इनको इंडियन टीम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कमजोर हो गई इसलिए इंडिया स्ट्रांग हो गई। अबे फुदवो, इंडिया के पास कुछ भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, वहां से भी हम लोग जीत के आए थे। इंडिया हमेशा स्ट्रांग है, स्ट्रांग थी, है और रहेगी। तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा ना हितौड़े से ठुकवाओ। आज रात से 100% रात को लाइव 9:30 बजे पक्का मिले। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।